हिमालयन महिला एवं जन जागरण संस्था भोरंज द्वारा केंद्र सरकार के संपूर्ण स्वच्छता अभियान के तहत महिलाओं को जोड़ने का एक अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत प्रदेश भर में दिशा वर्कर नियुक्त किए जा रही हैं। हमीरपुर में इसके तहत रखी गई दिशा वर्कर स्वास्थ्य प्रशिक्षण शिविर टौणी देवी में नव निर्मित MS कॉम्प्लेक्स के सभागार में किया गया। चेयरमैन अंशु ठाकुर के साथ साथ स्वास्थ्य पर्यवेक्षक व अन्य स्वास्थ्य अधिकारियों ने दिशा वर्करों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया। संस्था चेयरमैन अंशु ठाकुर ने कहा कि महिलाओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना चाहिए, क्योंकि स्वस्थ रहने से ही जीवन स्वस्थ रहेगा। इसके साथ ही दिशा वर्करों को अंजु ठाकुर ने आगामी चुनावों के लिए भी तैयार रहने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि इन चुनावों में सांसद अनुराग ठाकुर को भारी मतों से जिताना है, क्योंकि अनुराग ठाकुर ने महिलाओं के लिए काफी कुछ किया है। उन्होंने कहा कि अगर आज धूमल सीएम होते तो छोटी छोटी समस्याएं चुटकियों में हल हो जाती। उन्होंने कहा कि महिलाओं ने मिलकर अनुराग ठाकुर को जिताना है, ताकि दोबारा से अनुराग लोकसभा में जाकर काम कर सकें। और ये नहीं देखना है कि हमें कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या बोल रहा है। इतनी मेहनत करनी है और इतनी मतों से उनको जिता के भेजना है हमने संसद में, कि ताकि पता लगे कि जिला हमीरपुर की मातृशक्ति जो है वो क्या कर सकती है। क्योंकि आज हम यहाँ बैठे हुए हैं, अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो उनकी बदौलत कर रहे हैं। अगर आज हम कोई छोटा मोटा कार्य कर रहे हैं तो इसका श्रेय जो है वो सांसद अनुराग ठाकुर जी को जाता है। क्योंकि आपको पता है सांसद जी हर जगह नहीं जा सकते, हर किसी व्यक्ति से पर्सनल नहीं मिल सकते हैं। तो हम लोगों का काम क्या है, उनका प्रचार प्रसार करना। उनके उन्होंने जो योजनाएं चलाई, कितनी सारी योजनाएं चलाई हैं आपको सबको पता है। तो ये किसकी देन है, ये भाई सांसद अनुराग ठाकुर जी की देन है। तो आप लोगों ने इन चीजों का ध्यान रखना है, और कोई समस्या और भी है तो वो मुझे बताना है, और भाई अनुराग ठाकुर जी को भारी मतों से जिताना है। मैंने पहले ही वोट मांग लिया 4 सहायता लगने से पहले। नहीं करते आज अगर मुख्यमंत्री हमारे प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल होते तो ये जो हमें छोटी छोटी प्रॉब्लमें आ रही है, छोटी छोटी समस्याएं आ रही है, ये एक भी नहीं होती।